वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं इरशाद अली, खंड शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की तैयारी में इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर आप 8 देख रहे हैं। इससे पहले 7 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, चैनल पर है प्लेलिस्ट, वहां से उन 7 को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं वहां पर। दूसरा, करंट अफेयर्स की भी एक सीरीज शुरू की है जिसमें 2 ही लेक्चर हुए हैं, भी उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं आप। शुरुआत करते हैं, इसमें भारत के संविधान का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे आज। पार्ट 4 बात करता है राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक केवल राज्य के नीति निदेशक तत्व ही शामिल हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे DPSP। तो सबसे पहला सवाल इसमें यही बनता है कि DPSP या राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत के संविधान के किस भाग में मेंशन है। पार्ट 4 बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे। और चलिए, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन अगर प्रेस नहीं किया उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। कुछ लोगों की शिकायत है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं आते। देखिए, आपने सब्सक्राइब जरूर कर रखा होगा, कभी कभी होता है कि बेल आइकन नहीं ऑन होता है, तो बेल आइकन अपना चेक कर लीजिएगा ऑन है कि नहीं, तभी नोटिफिकेशन आपको पहुँचेगा वो। सेकेंड क्वेश्चन इसमें बनेगा कि DPSPs, इसको हम DPSPs पढ़ेंगे, ठीक है, इतना लंबा नहीं पढ़ेंगे। DPSPs को भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान में मेंशन थे ये DPSPs, तो भारत के संविधान में इसे यहीं से लिया गया है। सवाल इसका एक्सटेंशन ये बनता है कि आयरलैंड के संविधान में जो DPSPs हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आयरलैंड ने ये DPSPs को लिया है स्पेन के संविधान से, और हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट वन, अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 36 की। आर्टिकल 36 किस बारे में बात करता है, तो इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई, या फिर आप कह सकते हैं कि राज्य की जो नीति निदेशक तत्व हैं उनकी डेफिनेशन को बताया गया। एक्चुअली होते क्या हैं ये, जिस तरह से कुछ कर्तव्य हमारे होते हैं कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, उस तरह से ही राज्य की कुछ ड्यूटीज़ हैं, अपने कर्तव्य बता दिए गए हैं संविधान में। जिस तरह की ड्यूटीज़ अभी राज्य की भी यहाँ मेंशन कर रहे हैं, अभी हमारी ड्यूटीज़ भी आएंगी जो इसका अगला पार्ट है। हमारे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोगों की भी हैंगी, उनको भी आप ध्यान से सुनेंगे, वो देश के प्रति हैं। तो आर्टिकल 36 में बात की गई, ये राज्य के वो कर्तव्य होते हैं, राज्य की ड्यूटी होती है ये, जो अपने राज्य को एक कल्याणकारी राज्य या फिर वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए निभानी चाहिए। यानी किसी राज्य को ये ड्यूटीज़ अपने राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए ये उसको निभानी चाहिए, जो लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, है ना। राज्य को ऐसा करना लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, तो ये सिर्फ राज्य की ड्यूटीज़ होती हैं, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन देखें, अगला है आर्टिकल नंबर 37 में क्या कहा गया है। इसमें नीति निदेशक तत्वों में संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट्स इन दी DPSPs। तो संसद को इख्तियार है, अधिकार है वो कि DPSPs में यानी नीति निदेशक तत्वों में संशोधन कर सकती है। और संशोधन हम क्यों करते हैं, क्योंकि संविधान को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, उसकी जो कानून है उनको, तो हमारे संविधान में जो संशोधन करने का प्रावधान है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। तो नेक्स्ट वन चलते हैं। तो हम इसमें जो है अगला आर्टिकल आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं आपके यहाँ से। मैं आपको मार्क कराता रहूँगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो आर्टिकल नंबर 38 इसका पहला है, क्लॉज वन में है, टू रन वेलफेयर प्रोग्राम फॉर ऑल दी सिटीजन्स। तो अनुच्छेद 38 का फर्स्ट कहता है राज्यों का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के हित के लिए कल्याणकारी योजनाएं या कार्यक्रम चलाएंगे। तो जितनी भी योजनाएं चलती हैं, जितनी भी वेलफेयर प्रोग्राम समाज कल्याण के लिए जो कार्यक्रम चलते हैं राज्यों में या देश के अंदर, वो सारे के सारे लोगों के हितों के लिए चलाना सरकार का कर्तव्य है। ये सरकार की ड्यूटी बता दी गई है, तो राज्य की ड्यूटी है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है ये, क्योंकि जब ये कार्यक्रम चलवाए जाते हैं तो डेफिनेटली लोगों को इनसे लाभ होता है, जनता खुश रहती है, जिससे स्टेट एक कल्याणकारी स्टेट भी बन जाता है। नेक्स्ट, अगला है इसका ही सेकंड है, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन द इनकम। यानी ये राज्य का कर्तव्य है कि आय की असमानता को कम करे, आय की असमानता को कम करे। इसका मतलब क्या है, समझ लीजिए। देखिए, किसी भी राज्य में आय की असमानताओं को कम करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। ये आय की असमानताएँ कैसे कम होती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा आय प्राप्त कर रहा है, इनकम उसको हो रही है और उससे बहुत ज़्यादा आमदनी और फ़ायदा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को उसके कंपैरिजन में बहुत कम आमदनी है, तो इसे भी कंट्रोल करना राज्य के ही हाथ में है, यानी उसकी ये ड्यूटी है। नेक्स्ट वन, आर्टिकल 39 जो आर्टिकल मैं ज़्यादा बोलूँगा कि इंपॉर्टेंट है, वही आपको ज़्यादा इसमें याद रखना है, बाकी आप याद रखेंगे ये आपकी चॉइस रहेगी। तो आर्टिकल 39 क्या है, दिस इज़ ड्यूटी ऑफ स्टेट टू पे इक्वल मनी टू इक्वल वर्क।
एक आर्टिकल ये वाला आपको याद रखना है, ये आर्टिकल 39 है। तो राज्य का कर्तव्य है कि वो समान कार्य के लिए समान वेतन दे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, मेल या फीमेल में कोई डिफरेंस ना समझते हुए एक समान कार्य के लिए, अगर दोनों का, मान लीजिए एक स्त्री पुरुष है, दोनों को अगर सेम कार्य दिया गया है तो दोनों का जो पेमेंट है या दोनों का जो वेजेस होंगे है ना, वो एक समान ही होना चाहिए, एक जैसा ही। तो पुरुष और महिला दोनों को ही इक्वल वर्क के लिए, इक्वल कार्य के लिए इक्वल पेमेंट या इक्वल मनी देना भी राज्य का कर्तव्य है। किसी भी पुरुष स्त्री में किसी तरह का इस तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, टू मेंटेन हेल्थ एंड कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों का स्वास्थ्य और क्षमताओं को बनाए रखना भी राज्य का कर्तव्य है। तो हमेशा राज्य ये इंश्योर करेगा कि उसके राज्य में जो काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे लोग हमेशा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, हमेशा उनके अंदर शक्ति और कैपेबिलिटीज़ बनी रहें। इसलिए हम देखते हैं कि जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी विभाग होते हैं, यदि आप सरकारी कर्मचारी होते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, चिकित्सा, ये आपको मुहैया करवाई जाती हैं। तो कुछ लोगों के ESI कार्ड बने होते हैं, आपने देखे होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, जिसके तहत कुछ सूची लिस्ट होती है हॉस्पिटल्स की कि वहाँ पर जाकर आप अपना इलाज फ्री में करवा सकते हैं। वो सारा का सारा पैसा आपके बिहाफ पर सरकार खर्च करती है, सरकार आपको वापस कर देती है उस पैसे को, है ना। तो ये वेलफेयर स्टेट है जो सरकार चलाती है, और ये गवर्नमेंट में आपने देखा होगा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट वन देखिए, आर्टिकल 40, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको मार्क कर लीजिए भाई, ये आर्टिकल पूछा जा सकता है आपसे, आता भी एग्जाम में ये। एवरी स्टेट शुड हैज़ प्रोविजंस ऑफ पंचायत, प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा कि उसमें पंचायती राज का प्रावधान है। तो सवाल ऐसे पूछेगा, इनमें से किस अनुच्छेद में पंचायती राज के बारे में प्रावधान है, आर्टिकल 40, ये नंबर आपको याद रखना है। तो पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा मिला था वो जानते हैं हम, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत मिला था। इसमें 29 विषय हैं, 29 ड्यूटीज़ बताई गई हैं कि पंचायती राजों के क्या कार्य होंगे, क्या अधिकार होंगे। तो लेकिन ये राज्य का कर्तव्य होगा कि हर राज्य में वो पंचायतों का प्रावधान करना चाहिए उसको, क्योंकि पंचायती राज स्थानीय जो स्वशासन है उसका एक पार्ट होता है, लोकल गवर्नेंस। ये लोकल गवर्नेंस का मतलब है कि जिसमें लोग खुद ही राज्य की मदद करते हैं प्रशासन चलाने में, जिसमें लोगों की डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होती है ना प्रशासन चलाने में। इसको डिस्कस करेंगे आगे पंचायती राज को अलग से एक चैप्टर में कि ये होता क्या है। अगला देखिए, आर्टिकल 41 में क्या क्या है, देखिए इसमें राइट टू गेट वर्क है, कार पाने का अधिकार है, राइट टू गेट इंश्योरेंस इन ओल्ड एज, वृद्धावस्था में पेंशन पाने की, जो बीमा पाने की जो एक अधिकार है वो भी मेंशन है, टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता पाने का भी इसमें प्रावधान है आर्टिकल 41 में। तो लोगों का अधिकार है कि बेरोजगारी में कार्य पाने का अधिकार, ये हमारा अधिकार है कि बेरोजगारी या बेकारी में राज्य हमें काम की अपॉर्चुनिटी मुहैया करवाए या हमको काम जो है दे। तो वृद्धावस्था में राज्य का कर्तव्य रहेगा कि वो अपने राज्य में वृद्धजनों को फ्री इंश्योरेंस या बीमा करवाए। और थर्ड वन है कि राज्य का ये भी कर्तव्य है कि अपने राज्यों के लिए बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगार भत्ता दे। तो ये तो कुछ कुछ आपको देखा, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा थोड़ा तो होता ही है लेकिन पूरी तरह से ये नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वन आर्टिकल 42 क्या कहता है, तो ये क्या है देखिए, प्रोविजंस फॉर द जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो इसमें काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं की तथा प्रतिसूति सहायता का उपबंध, इसको कैसे समझेंगे हम, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इसमें कार्य को रोकने की मानवीय दशाएं होती है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, राज्य का ये कर्तव्य बताया गया इसमें कि वो नागरिकों को कार्य दें और कार्य को करने की मानवीय दशाएं भी प्रोवाइड करवाएं। राज्य का ये कर्तव्य है कि मानवीय दशाएं भी प्रोवाइड करें। राज्य का कर्तव्य है कि बेरोजगारों को काम दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि राज्य बेरोजगारों से ये कह दे कि चलिए लीजिए खुले मैदान में जाकर, धूप में जाकर के आप 45 डिग्री सेंटीग्रेड या मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में आप काम कीजिए। तो ये मानवीय कंडीशंस नहीं है, मानवीय दशाएं नहीं काम करने की। तो सरकार लोगों से जो है 15-15 घंटे काम करवा रही है, ये अगर ऐसा है तो ये पूरी तरह से अमानवीय अधिकार है। तो इसके अलावा स्त्रियों को जो है प्रसूति फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, जो मैटरनिटी लीव होती हैं उनको होनी चाहिए। तो अगर कोई महिला कर्मचारी है, प्रेग्नेंट है, तो उसको उस कंडीशन में जो है लीव दी, मैटरनिटी लीव होती है, छुट्टियाँ हैं वो दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस कंडीशन में जाकर जो है वो काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये भी राज्य को ही ख्याल रखना है इस चीज़ का। अगला देखिए, तो ये ड्यूटीज़ हैं राज्य की, अगर राज्य ये ड्यूटीज़ नहीं करता है अपनी तो इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो ये राज्य की मर्जी के ऊपर है। तो अगला है आर्टिकल 43, मिनिमम वेजेस फॉर वर्क। तो कार्य को करने की न्यूनतम मजदूरी, मान लिया कोई काम आपको दिया गया है,
है ना, उस काम की एक न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, यानी उससे नीचे आपको नहीं मिलेगा पैसा, मिनिमम उतना तो आपको मिलेगा ही। तो अगर हमारे राज्य सरकार ने हमें कार्य करने का अवसर दिया है, मानवीय दशाएं भी दी है, लेकिन उस कार्य को करने के लिए न्यूनतम मजदूरी मुहैया करवाना भी राज्य का ही कर्तव्य बता दिया गया है इसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वेतन हमें मिल रहा है उससे जीवन निर्वाह करने में या अपना सर्वाइवल में जो है परेशानी हो उससे। तो आर्टिकल नेक्स्ट देखें, आर्टिकल 44 में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। तो अनुच्छेद 44, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। एक आर्टिकल 40 मैंने बताया है आपको, एक आर्टिकल 44, ये अभी दो आर्टिकल को आपको बहुत याद रखना है इस पार्ट से। तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता या नागरिक संहिता को लागू करना भी राज्य का कर्तव्य है। भाई इसमें क्या है, ये है क्या चीज़ एक्चुअली, इसका मतलब होता है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है या समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि हर धर्म, भारत में बहुत सारे धर्म हैं जानते हैं, एक डाइवर्स कंट्री भारत, तो यानी बहुत सारे धर्म यहाँ पर हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, तो हर धर्म के व्यक्ति को एक जैसा न्याय मुहैया करवाना चाहिए। लेकिन हमारा संविधान लागू जब हुआ तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि हमारे देश में हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम्स लॉ अलग है ना, लेकिन हमने ऐसा कहा कि हर राज्य में, अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हर धर्म के हर समुदाय के व्यक्तियों को एक ही तरीके से न्याय देगा या न्याय के तराजू में एक ही तरह से तोलेगा, तो वहाँ पर इक्वालिटी मेंटेन होगी, जिसके तहत एक कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट की स्थापना होगी। लेकिन इसको हम जो है एक तरीके से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं आज तक भी। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट ऐसा है भारत का, गोवा बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो भारत में इकलौता राज्य ऐसा है जो इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर पाया है, 2018 में किया है। किसने? गोवा ने। ये नाम लिखा है आपके सामने, गोवा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूरी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड किस राज्य ने लागू किया? गोवा है। तो चाहे वो हिंदू हो व्यक्ति, चाहे मुसलमान हो, दोनों को न्याय के तराजू में बिल्कुल एक जैसा तोला जाएगा, यानी दोनों के लिए न्याय की कंडीशंस बिल्कुल एक जैसी होंगी, दोनों को एक जैसा ही न्याय दिया जाएगा। तो ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके लिए कभी कभी बात चलती है देश में कि पूरे देश में इसको लागू किया जाए। तो आर्टिकल 44 भी आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट वन देखिए, 45 आर्टिकल 45 में क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स ओल्ड। तो इसमें ये भी आपको स्टार मार्क कर लीजिए, अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसको समझते हैं पहले, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो ये आर्टिकल जो हमने पढ़ा था ना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस यहाँ मेंशन कर दिया गया है। तो मौलिक अधिकारों में हमने पढ़ा था, नागरिकों का मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21A के तहत, बाद में जब ऐड किया था कि उसको क्या मिलना चाहिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा मिलने का उसको अधिकार है ये। और ये अब राज्य की ड्यूटी बता दी गई है कि उसको राज्य अब ये करेगा, राज्य को अभी ये इंतज़ाम करना है, ठीक है, इनकी शिक्षा के लिए, इतने वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए अब राज्य इंतज़ाम करेगा। नेक्स्ट वन देखिए, आर्टिकल 46 में या 46 में, इसको भी मार्क कर लीजिएगा, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों को, और करेंगे दोनों को, शिक्षा और जो अर्थ संबंधी उनका डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, अभिवृद्धि, यानी डेवलपमेंट ऑफ SC and ST इसमें बताया गया कि ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वो राज्य की जितनी भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं ना, उनको जो है उनका डेवलपमेंट करेगा, शिक्षा की ओर से भी, पैसे की तरफ से भी, आर्थिक मदद से भी। तो ये राज्य की ड्यूटी है उनमें से। आर्टिकल 47 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एनी फूड एंड लिक्विड आइटम। तो किसी भी खाद्य या मादक पदार्थ पर जो है बैन लगाया गया है। तो स्टेट जो है किसी भी, अ स्टेट कैन बैन एनी फूड और लिक्विड आइटम इन स्टेट। राज्य चाहे तो अपने राज्य में किसी भी खाद्य एवं मादक पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकती है, राज्य की ड्यूटी बता दी गई है उसको, ठीक है। राज्य को पूरी तरीके से अधिकार होते हैं कि राज्य में अपने लोगों के लिए पूरी तरह से एक तरीके से स्वच्छ रखने के लिए या उनकी हेल्थ का ध्यान रखने के, राज्य की लोगों के लिए स्वस्थ रखने के लिए उनको खाद्य पेय पदार्थों को बंद कर सकती है ना। जैसे आपने देखा होगा कि राज्यों में अलग अलग लिकर, आप कह सकते हैं कि शराब पर बैन लगा था, है ना, जैसे बिहार में पूरी तरह से बैन की गई थी उस तरह से। तो गुजरात को कहते हैं हम ड्राई स्टेट, तो इस यहाँ पर मेंशन कर लेंगे आप, गुजरात इज़ अ ड्राई स्टेट। लगभग 20 सालों से गुजरात में जो शराब की तस्करी है, शराब का उत्पादन, शराब की बिक्री, शराब का सेवन पूरी तरह से बैन है। तो और पूरी तरह से बिहार में भी शराब की तस्करी, बिक्री, उत्पादन सब बंद है। तो बिहार और गुजरात, तो बिहार ये क्या है, गुजरात क्या है, गुजरात को हम ड्राई स्टेट कहते हैं। वो किस लिए? क्योंकि वहाँ पर शराब बहुत लंबे समय से बंद है। तो ये ड्यूटी है किसकी? राज्य की। तो राज्य की अगर ड्यूटी है तो ये गुजरात राज्य ने करके दिखाया। जैसे ही राज्य की ड्यूटी यूनिफॉर्म सिविल कोड में मामले में थी तो वो गोवा ने सबसे पहले करके दिखाया। आर्टिकल 47 का ए देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ काउस एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल्स। तो गाय बछड़े जो पशु होते हैं हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स, उनकी हत्या पर बैन है। तो आर्टिकल 47 का ये बताता है ये। आर्टिकल
48, तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये आ सकता है। तो राज्य में कृषि और पशुपालन के विकास पर भी ध्यान देना होगा, किसका, राज्य का ही ड्यूटी है, राज्य का कर्तव्य है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 48 का ए, आर्टिकल 48, ठीक है, 48 का है। तो राज्य में पर्यावरण का विकास भी, राज्य में डेवलपमेंट को, सॉरी, राज्य में जो पर्यावरण है उसको संतुलित बनाए रखना भी राज्य का कर्तव्य होगा, उसका विकास करना भी ये राज्य का ही कर्तव्य होगा, ये इसमें बता दिया गया आर्टिकल 48 के काम है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, बहुत पूछा जाता है यहाँ से। आर्टिकल 49 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मूवमेंट्स, ये भी आता है कभी कभी। तो जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारी विरासत हैं, ठीक है, संस्कृति, जैसे जो पुराने मॉन्यूमेंट्स आपने देखे होंगे, जैसे पुराने मंदिर हैं या लाल किला है और ताजमहल है, है ना, ये सब जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, इन सब की हिफाजत, इन सब की प्रोटेक्शन भी करेगी कौन, राज्य सरकारें, इनको, इनका भी ख्याल रखेगी। अगला है आर्टिकल 50 में क्या है, टू सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमने शुरुआत में जब पॉलिटी शुरू की थी, हमने कार्यपालिका और न्यायपालिका को देखा था। कार्यपालिका का क्या मतलब होता है, जो कानून संसद बनाती है उनको लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है अगर उन कानूनों का कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंडित करना। तो ये पहले क्या था, जब वॉरेन हेस्टिंग था यहाँ, उस समय ये दोनों ऑर्गन मिलकर काम कर रहे थे, एलिजा इम्फे थे उस समय जो चीफ जस्टिस थे, तो ये दोनों जब मिलकर काम कर रहे थे तो मिसयूज़ कर रहे थे एक दूसरे की पावर्स का, है ना। तो इसको सेपरेट कर दिया गया आर्टिकल 50 से, कि इन दोनों की पावर्स, यानी जो एग्जीक्यूटिव है, ये मैंने आपको डिस्कस, चलिए आगे भी पार्ट 5 आएगा, उसमें इन डिटेल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 5 एंड पार्ट 6। तो आपका लगभग दो पार्ट्स और बचते हैं, लगभग आपका 70% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटी का, ठीक है, यहाँ तक से ही जो है सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। तो फिक्र मत करिए कि आपको ये सब्जेक्ट पूरा, सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है। और हमारी 7 तारीख से आपकी प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी ज्योग्राफी की भी, ठीक है, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स प्लस हिस्ट्री, ये तीन सब्जेक्ट आपके चलेंगे 7 तारीख से, ठीक है। तो नेक्स्ट वन देखिए, तो इसमें जो है, अगर कार्यपालिका, जो सरकार काम करती है, सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी कौन, न्यायपालिका, जुडिशरी कभी नहीं करेगी, और न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कौन नहीं करेगा, कार्यपालिका यानी सरकारें। तो ये क्या है, ये इस तरह से आर्टिकल 50 में मेंशन कर दिया गया। अगला देखिए आर्टिकल 51 में क्या है, टू मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा तथा, ये इसमें मेंशन कर लीजिएगा, ये देखो तीन तीन नाम से आता है अलग अलग, टू मेंटेन इंटरनल पीस एंड एक्सटर्नल, टू मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस किस आर्टिकल के तहत बताया गया, 51 के तहत। तो ये आर्टिकल 51 में मेंशन है, हिंदी में ये पूछता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और भारत की विदेश नीति किस आर्टिकल के तहत बताई गई है, ये है फॉरेन पॉलिसीज भारत की, आर्टिकल 51 में बहुत आता है, ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। तो इसमें आर्टिकल एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, और 49 भी इंपॉर्टेंट है, 48 बहुत इंपॉर्टेंट है, 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 40 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आर्टिकल्स इसमें मेंशन है, ये आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट चलिए, देखो यहाँ से क्वेश्चन समझ लो पहले, कि क्वेश्चन कौन कौन से यहाँ से बने हुए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सवाल पहला यही पूछेगा आपसे, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सवाल पहला यही पूछेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक अधिकार किस पार्ट में मेंशन है, पार्ट 4A में है। पार्ट 4 बताता है DPSP को, पार्ट 4A बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ये शुरुआत में संविधान के मूल संविधान में मेंशन नहीं था, और ये आर्टिकल पूछता है कि इसमें कौन सा आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल। तो इसको आपको, ये एक बार आप रिवाइज कर लेंगे इसको, तो इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। अगर ये पूछे आपसे किस एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था, किस समिति पर, सरदार पूर्ण स्वर्ण सिंह समिति पर। नेक्स्ट वन देखिए, तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है मौलिक संविधान में हमारे, कितनी हैं, 11 हैं, लेकिन शुरुआत में जब लागू हुआ था वो तो केवल 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, अनुच्छेद 51 का टा जोड़ा गया था इसमें 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत, जिसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा को उनका मौलिक कर्तव्य बना दिया गया था। किसका, उन, देखो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा देना उनके माता पिता, यहाँ माता पिता ऐड कर लेंगे, लास्ट में लिखा है अभी, माता पिता को अधिकार दिया गया है, उनका कर्तव्य बताया गया है कि वो इतने उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा को वो अवसर प्रदान करें। तो जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमें एक क्वेश्चन, तो 2-3 क्वेश्चन तो वो शुरू में जो डिस्कस किए थे, और अभी ये है आर्टिकल 51 का। तो आर्टिकल 51 के का में जो है, भारत के प्रत्येक नागरिक को एक कर्तव्य होगा कि वो क्या है, तो ये हर सिटीजन का एक ड्यूटी होगी कि हम जैसे संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं, उसकी राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। सवाल ऐसे पूछा जाता है कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना भारत के संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51 का ही रहेगा। ये आर्टिकल का 51 का 1, 2, 3 करके नहीं पूछता है, केवल ये सब सारे जितनी भी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये 51 के काम ही मेंशन है, ज़्यादा हैं तो इसलिए नंबरिंग कर दी गई है यहाँ पर।
नेक्स्ट देखें तो भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, तो इसमें 11 हैं टोटल, हमने 11 की 11 याद नहीं रखनी है, केवल एक पहला याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी, हमारी संस्कृति की रक्षा करना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ये है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, इसकी रक्षा करना हमारा ड्यूटी है हर नागरिक की, एक ये है। और एक है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, और एक लास्ट वन जो 11वीं ऐड की गई थी इसमें, ये थी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता का कर्तव्य होगा कि उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करवाएं। तो ये था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं भारत के नागरिक के लिए, देश के प्रति, हमें राज्य के प्रति ऐसा करना चाहिए। तो ये देखिए, तो इसमें आप याद रखेंगे पार्ट 4 और पार्ट 4A, मैंने दोनों इसीलिए आपके एक साथ करवाए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो पार्ट 4A जो बताता है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बताता है, मौलिक कर्तव्य को, ये हर नागरिक का कर्तव्य होगा। जैसे हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, अपने टीचर्स का आदर करते हैं, बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह से हम जो है ये देश के प्रति हमारी जो कार्य हैं, ये नियम है, ड्यूटीज़ हैं जो हमको करनी ही हैं, कर्तव्य है ना। तो ये भारत के संविधान में शुरुआत में तो नहीं थे, लेकिन इनको बाद में मेंशन किया गया था, ये 42nd Amendment Act 1976 के अनुसार। इसी संविधान के संशोधन को हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लघु संविधान। इसमें बहुत सारे प्रावधान थे भारत के संविधान के जो बदल दिए गए थे। तो अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य बताए गए थे, तो 10। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें, फंडामेंटल राइट होते हैं हमारे पास, मौलिक कर्तव्य होते हैं, सॉरी मौलिक अधिकार होते हैं 6, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य होते हैं 11। तो ये नंबर्स आपको याद रखने, कन्फ्यूज़न नहीं पैदा करना है इनमें अपने आप में, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, और अब ये लगभग 50% तो हमने पॉलिटी कंप्लीट कर ली है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं पार्ट से, इन्हीं उससे आ जाते हैं। दूसरा अभी अभी बचता है आपका पार्ट 5 और पार्ट 6। ये दो पार्ट जब आपके हो जाएंगे, मतलब लगभग आप पॉलिटी का जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा सिलेबस है वो आप कंप्लीट मान सकते हैं। तो इसको हम 8 तारीख से पहले पहले कंप्लीट कर लेंगे पॉलिटी को, ठीक है। बाकी बचेंगे अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट बचेंगे जो संशोधन हुए वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो पार्ट 5 और पार्ट 6 में मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा आपके साथ में भी, जो आप अभी देखना चाहते हो, जैसे राष्ट्रपति हैं भारत के, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, CJI हैं, AGI हैं, लोकसभा हैं, राज्यसभा हैं, स्टेट पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, है ना, वो सब हमें डिस्कस करना रहेगा। किसमें? ये सब पार्ट 5 और पार्ट 6, जुडिशरी वगैरह, ये सब किसके हिस्से हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है आपके लिए, अब उसको हम डिस्कस करेंगे अगले 2 से 3 दिन में, इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका पॉलिटी का कोर्स 2 से 3 दिन में अगले खत्म होने वाला, 8 तारीख तक। दूसरा, अब जो है इसकी जो यहां तक हमने पार्ट 4 किया है, पार्ट 4 तक, शुरुआत से लेकर संविधान के बनने से लेकर पार्ट 4 तक के हम क्वेश्चंस की अब जो है कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे अब मैं वो करवाऊंगा आपको। तो आप रेडी रहिएगा इन 8 के 8 पार्ट को कंप्लीट करके, ठीक है, जो अभी लास्ट तक देख रहे हैं इस वीडियो को। और वहाँ क्वेश्चन के आंसर जब मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा, तो क्वेश्चन के आंसर आप खुद से चेक करिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, है ना। तो ये तरीका है पढ़ने का। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंड शेयर भी कर दीजिएगा।